हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज सवेरे सवेरे मेरे को मौका नहीं मिला कमेंट बनाने का, तो क्या हुआ, मौका देख के दोपहर में आ धमकी और आप लोगों से बात करने का तो मुझे मौका, बस मैं मौके के तलाश में ही रहती हूँ। तो चलिए, आज मैं अपने 3 वीडियोस के कमेंट्स लेके आई हूँ। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश की तो लगता है दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है, होती भी है तो भगवान का प्रसाद गिरता है, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है ज़्यादा। तो चलिए, ज़्यादा कंप्लेन ना करते हुए शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि कंप्लेन करना बुरी बात, और जितना हो सके अपने गम को भुलाओ और मुस्कुराते रहो। ये है मेरा मोटो कि अपने गम को भुला दो और मुस्कुराते रहो, चाहे जितनी भी तकलीफें लाइफ में आए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लोगों को हंसाते रहो। अपने आप भगवान से, अरे ये तो इतने तकलीफ में भी हंसती है, इसको क्या तकलीफ देना। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, अब थोड़ा कमेंट पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मेरी अच्छा मिष्टी जी ने लिखा है, अब गुनगुन चाहती है कि वो समर के साथ रहे। चाहती तो होगी, मनी मन लड्डू फूट रहे होंगे। मुस्कान जी ने लिखा, राइट मैम, थैंक यू सो मच मुस्कान जी एंड मिष्टी जी। गीता जी ने लिखा है, यस यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच गीता जी। नंदिनी जी ने मुझे हार्ट दिया है, थैंक यू नंदिनी जी। रेणु गुरंग जी ने बोला है, राइट, आपने बिल्कुल सही बोला सिस्टर, आपने हार्ट दिया, थैंक यू रेणु जी। खुशी बहन ने लिखा है, हेलो दीदी नमस्कार, मैं खुशी पाकिस्तान से, दीदी हाँ मेरे टाके अल्लाह। तो फिर मैं पढ़ूंगी अब जोस्विन जी का मैसेज। जोस्विन जी ने लिखा है, दे आर ऑल ब्लाइंड, वेरी गुड आंसर सिस्टर, वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच जोस्विन जी। बस मेरे पास यही कमेंट्स थे, अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरी वीडियो की ओर, जिस वीडियो में अब गुनगुन लेना चाहती है ध्रुव से डिवोर्स, मगर ध्रुव यहाँ पे अपनी मम्मी को बोल रहा है जाने के लिए। तो इसमें सोचा, तरंजी जी ने लिखा है, गुनगुन वो चीज़ है, माँ घर की है और माँ घर की, हाँ ना घर की है ना घाट की है। नंदिनी जी ने मुझे बुके भेजा है, थैंक यू सो मच। गीता जी ने हाथ भेजा है, मीरा जी ने भी हाथ भेजा है, और युवान को बाय बेटा, सोना बेटा लिखा है, थैंक यू सो मच मीरा जी। तरन जी ने लिखा है, आप सही बोले, थैंक यू सो मच। शाहिद भाई जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला 100%। रेणु जी ने लिखा है, राइट आपने सही बोला सिस्टर, आपने हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे मैसेज करने के लिए। सिमरन जी ने लिखा है, बहन जी ध्रुव को अपनी माँ को घर से निकालना होगा, ऐसी माँ जो अपने बेटे के लाइफ बर्बाद करने लगी है। ध्रुव दूध पीता बच्चा नहीं है कि अच्छा बुरा समझ नहीं सके, क्यों अभी तक माँ जो हरकत कर रही है क्या पुलिस को नहीं बताते, ये सब का झूठा ड्रामा कब ख़त्म होगा, क्योंकि ये ड्रामा भी तुम लोगों अच्छे से नहीं कर पाते। अरे गुनगुन, तुझे अपनी माँ याद नहीं आती, समर की माँ बहुत याद आती है। एक काम कर गुनगुन, तुम अपने पापा को घर चले जा, समर की माँ को ले जा, दोनों तेरी अच्छे से टेक केयर कर सकती, तेरी अपनी माँ के तो आता पता ही नहीं लगता, ये तो घर छोड़कर चली गई होगी। समर की माँ भी अपने पति के पास जाती नहीं, तेरे पापा का भी घर संभल सके और तुझे भी संभलने का सबका मकसद पूरा हो जाएगा। एकदम सही लिखा, बहुत अच्छा लिखा सिमरन जी। जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी गुनगुन की चाल है, एक बहाना मिल जाए ध्रुव को छोड़ने का, अब गुनगुन समर की मम्मी को लेकर राधिका की ज़िंदगी खराब करेगी, ध्रुव भी कसूर है। सही बात। उसके बाद शाहिद भाईजान ने 100% राइट लिखा है, थैंक यू सो मच। बस मेरे पास यही कमेंट्स थे, अब मैं अपनी जा रही हूँ लास्ट वीडियो में, जिसमें गृह प्रवेश हो रहा है समर के घर का। इसमें सबसे पहले सुमित्रा जी का मैसेज उन्होंने लिखा, समर की मम्मी कभी नहीं सुधरेगी, जब तक गुनगुन के पास रहेगी ना तब तक राधिका और समर से जलते रहे, खुशी होती नहीं है, गुनगुन साथी खुश रहते हैं। एकदम गुनगुन के साथ ही वो खुश रहती हैं। थैंक यू सुमित्रा जी, आप कैसी हैं, बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज कर रही हैं। तरनजीत जी ने लिखा है, सही बोला गुनगुन तो आएगी, हाँ। सुशील जी ने लिखा है, समर की मम्मी को तो यही उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेरे बात सुने और हम ही अपना पसंद का घर दिलाए, तभी तो समर की माँ का हकदार होता, यही चाहती थी समर की माँ। एकदम। जोस्विन जी ने लिखा है, गेट वेल सून, आपने हार्ट दिया है, हाय सनी हाउ आर यू, आपने लिखा है युवान को, थैंक यू सो मच। गीता जी ने लिखा है, सही कहा आपने, थैंक यू सो मच गीता जी। रेणु गुरंग जी ने लिखा है, राइट कहा सिस्टर, आपने अपने भी हार्ट दिया है। जोस्विन जी ने भी लिखा, एग्जैक्टली राइट यू सेड सिस्टर, समर्स मदर वॉन्ट इंपॉर्टेंस जस्ट लाइक हाउ गुनगुन गिव्स हाँ, एग्जैक्टली जोस्विन जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी ऑलवेज। ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही कहा, समर की माँ तो डायन है। शौकीन जी ने लिखा अलवर से, समर के घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो समर की मम्मी कभी खुशी नहीं होती, हमेशा दुखी रहती है, ज़मींदार नहीं तो फ्लैट नहीं दिला पाई, समर
समर ने अपने मेहनत से ही फ्लैट खरीद लिया, अच्छी बात है, हमें भी खुशी है इस बार, सही बात। जयश्री बहनी का दीदी, अगर गुनगुन साथ रहती तो समर की मम्मी खुश रहती, लेकिन अब गड़बड़ हो गई, बच्चा भी गया और समर भी गया, इसलिए नाराज़ है समर की मम्मी एकदम। रीमा जी कैसी हैं आप? रीमा जी लिखा, समर की मम्मी कभी नहीं सुधरेगी ना वाली, उसको तो राधिका कहाँ अच्छी लगती है, उसको तो गुनगुन अच्छी लगती है, गुनगुन को लेके ही वो रहे आराम से। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर आया हो जो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। नहीं, सबका मैसेज मैंने बोल दिया, किसी का मैसेज नहीं है जो मैंने नहीं कहा है। अब मैं देख लेती हूँ कल के कमेंट के वीडियो में कोई मैसेज अगर हो। हाँ, एक मैसेज है जिसमें शांति जी ने मुझे हार्ट दिया है, बस मेरे पास और मैसेजेस नहीं है। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहोगे। फ्रेंड्स एकदम पसीना पसीना हो गए क्योंकि इस रूम में पंखा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, तो गर्मी में ही जो करना पड़ता है, शॉर्ट वीडियो हो या कमेंट का वीडियो हो, बनाना पड़ता है। तो चलिए, अब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग अपना अपना सब ख्याल रखिएगा और इस गर्मी में हाइड्रेटेड रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे प्यार सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।